अच्छा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये पाकिस्तान में पहली दफा है, सो दिस इज समथिंग वेरी गुड एंड वेरी यूनिक। काफी मजा करी, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, इट्स रियली नाइस। ये है कराची में लगाया गया दुनिया का सबसे बड़ा जंपिंग कैसल, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इस जंपिंग कैसल की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, आइए आपको दिखाते हैं। बच्चे तो हमने उछल कूद करते देखे थे, आप भी बच्चों की तरह उछल कूद कर दिया। ये कितना मजा आ रहा है आपको उछल कूद कर? बहुत बहुत मजा आ रहा है। फर्स्ट टाइम आई है? जी फर्स्ट टाइम आए। तो ये तो बहुत बड़ा है, आप कितने इधर जो है वो उछल कूद कितना कर लोगे, कितनी देर कर लोगे? देर के लिए टाइम मिला है हमें, 8 बजे तक का स्लॉट है, तो हमने सारा जंपिंग करनी अच्छा, है यहाँ। आते साथ ही आपने देखा नहीं है और उछल कूद करना जो है शुरू कर दिया? जी बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं जबरदस्त। जी आप क्या इनकी सिर्फ तस्वीरें बना रहे हैं, खुद भी उछल कूद कर? मैं खुद भी कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि बहुत अच्छी प्लेस है ये और बहुत मच बस। आप ज्यादा उछल कूद करते हैं कि ये ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं? जबरदस्त जी, बच्चे और बड़े दोनों एंजॉय कर रहे हैं। हमने बहुत सारे जंपिंग प्लेइंग एरियाज देखे हैं, जहाँ से बच्चे जो है वो उछल कूद कर रहे होते थे, एंजॉय कर रहे होते थे। यहाँ तो अम्मा भी लगी हुई है, अब्बा भी लगा हुआ है, बच्चे भी लगे हुए हैं। क्या करें, अभी बच्चा आई थिंक 2 साल का है, तो हम भी उसके साथ एंजॉय करें ताकि उसका भी दिल बढ़ा हो, वो भी कूदेगा। जिस तरह अभी आप लेटे हुए थे और उछल रहे थे, जरा एक करके दिखा देना, मजा आ जाएगा। नहीं, अच्छा नहीं हो गया? बच्चों के साथ माँ बाप भी एंजॉय कर, बेहतरीन बेहतरीन। आप कैसा फील कर रही है मेरी बहन? ये पाकिस्तान में पहली दफा है, कराची में इस तरह की चीज पहली दफा है, सो दिस इज समथिंग वेरी गुड एंड वेरी यूनिक। ये होनी चाहिए और माँ बाप बच्चे दोनों के लिए अच्छा होता है, इस तरह की हेल्दी एक्सरसाइजेस होनी चाहिए। भाई आप ये मत समझेंगे हमारे अंदर स्प्रिंग लगे हुए, ये जंपिंग जो प्लेइंग एरिया है बंदे को स्टेबल खड़ा ही नहीं होने दे रहा, और लोग यहाँ पर उछल भी रहे और कूद भी रहे, यहाँ तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। ये तो इतने बड़े बड़े गुब्बारे लगा दिए हैं, कितना मजा कर रही हैं आप? काफी मजा कर रही हूं, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, इट्स रियली नाइस। अच्छा जी, तो यानी कितनी देर जो है आप यहाँ पर एंजॉय कर सकती हैं? 2 घंटे का टाइम है वो भी तो कम, मुझे जिस तरह अच्छा। लग रहा है ना वो भी कम होगा, जिस तरह तो आप चाहती है कि आप सारा दिन उछलती कूदती है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है। जबरदस्त जी, आपने दुनिया का सबसे बड़ा जंपिंग हाउस बना दिया, आइडिया आपके जहन में कैसे आया था, कहीं देखा था, ये शुरू से शौक था, ये बचपन से खुद उछल कूद बहुत ज्यादा करते थे, तो ये बड़े होके इतना बड़ा आपने जंपिंग हाउस बना दिया? जी पहले तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का शुक्र है, इतनी अच्छी फैसिलिटी अल्लाह ने मौका दिया कराची में खोलने के लिए, और पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह हम घूमेंगे, तो उम्मीद है सबको पसंद आएगा। बचपन से जी मुझे बिल्कुल शौक है कूदने का, मैं बास्केटबॉल बहुत खेलता था, तो कूदने का मुझे बचपन से बहुत शौक था। ये सॉफ्ट एरिया बनाने का मकसद भी ये था कि आजकल बच्चों में जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स पहले थे, अनफॉर्चुनेटली आजकल नहीं है। आजकल बच्चे स्क्रीन टीवी के सामने बैठ जाते हैं, यू नो दे बिकमिंग काउच पोटैटोज, तो वो पुरानी फिजिकल एक जो एनर्जी होती है बच्चों में वो रिवाइव करने के लिए हमने फन का एलिमेंट जोड़ा है, एक समझे एक्सरसाइज के साथ, क्योंकि ये प्रॉपर एक्सरसाइज है, जब आप इंशाल्लाह अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा हमने देखा कि बच्चों के साथ जो है यहाँ पर बड़े भी मौजूद हैं, और इस जंपिंग कैसल के अंदर बच्चों के साथ साथ बड़े भी उछल कूद कर सकते हैं, तो ये आपने कैसे इसको डिजाइन किया है कि जैसी एंजॉयमेंट बच्चे कर रहे हैं वैसी एंजॉयमेंट बड़े भी कर सकते हैं, तो ये बेसिकली बड़ों के लिए बच्चों के लिए या बच्चों वाले मजे बड़े ले रहे हैं? ये पूरी फैमिली के लिए, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा आ सकता है यहाँ पे, उसके मजे ले सकता है, और साइज इसका असल में इतना बड़ा है कि जब बड़ा अंदर जाता है तो वो बच्चा लगता है। अच्छा। तो वो इस हिसाब से बना हुआ है, दैट्स व्हाई जितने भी बड़े हैं वो जाके एंजॉय करते हैं और उनको बचपन की यादें उनकी ताजा हो जाती हैं। इसकी टिकट कितनी है और इसकी टाइमिंग्स क्या है, कितने बजे लोग आ सकते हैं और उस टिकट के अंदर कितनी देर यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं? जी पहले तो DHA का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें प्राइम लोकेशन दी है एंटरटेनमेंट के लिए। जहाँ तक टिकट की बात है, हमारा 2500 रुपए का पर हेड टिकट है, मगर उसमें यह है कि जितने आप टिकट ज्यादा लेते जाएंगे आपको पर हेड कॉस्ट उतनी कम आती जाएगी। और हमारे दिन में 4 सेशन है, 12 से 2, 3 से 5, 6 से 8, 9 से 11, जो बीच में 1-1 घंटे का गैप है वो इसलिए क्योंकि हम पूरी फैसिलिटी को सैनिटाइज और क्लीन करते हैं। अच्छा मैं देख रहा हूँ सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल किया हुआ है, हम भी जब बाहर एंटर होने लगे तो सबसे पहले हमें कहा आप अपने शूज उतार दें, यानी कि आपने अगर इस जंपिंग प्ले एरिया के अंदर एंटर होना है तो शूज उतारने पड़ेंगे, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी इस जंपिंग एरिया में एंजॉय करने के लिए? जी पहले तो आपको शूज, जो हमारे डेजिग्नेटेड शूज होने हैं उसमें आपको शूज रखने पड़ेंगे, सॉक्स के बगैर हम अलाउ नहीं करते, तो आप मेक श्योर करें घर से सॉक्स पहन के आए, अगर घर से नहीं पहन के आए, अगर आप भूल गए तो हम काउंटर्स पे सॉक्स सेल करते हैं, आप काउंटर पे बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो है अंदर हम अवॉइड करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि
कोई शार्प ऑब्जेक्ट ना लेके आए, उससे जो है प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ जगहों पर जो है ना वो चप्पलें बहुत चोरी हो जाती हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि हम बाहर शूज उतार के अंदर आए वापसी जाए तो हमारी चप्पलें ही ना हो? नहीं नहीं जी, हमारा प्रॉपर ट्रेन स्टाफ है, वो शूज जोन के अंदर डेजिग्नेटेड स्टाफ है हमारा, वो वहाँ पे मौजूद होता है और आपके शूज की और जितने भी आपके बिलोंगिंग्स हैं उसकी टेक केयर होती है। ये रकबा कितना बड़ा है और ये जो किड्स प्लेइंग एरिया आपने बनाया हुआ है, जंपिंग जो प्ले एरिया है, इस ये कितने रकबे पर जो है वो मुहित है और इस पर टोटल खर्चा कितना आया? ये टोटल जो है वो 3 एकड़ पे जो जितना कवर्ड एरिया है वो 3 एकड़ का है और हमें इतना ही एरिया ढूंढना था क्योंकि मैंने जैसे आपको पता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंपिंग कैसल, बहुत बड़ी बात। गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम आया, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जाहिर है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत बड़े एरिया पे ही बन सकता है। कराची में तो पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जंपिंग कैसल बना दिया है, क्या इस तरह की सहूलत पाकिस्तान के दीगर शहरों के लोगों को भी मैसर हो सकेंगी आने वाले वक्त में, लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब या पाकिस्तान के दीगर जो दूसरे शहर है? जी बिल्कुल, तो हम पाकिस्तान के हर शहर में जाके ये पूरे पाकिस्तान को एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं। अच्छा, ये अलग अलग शहरों में आप खोलेंगे या इसी को उठा के ले जाएंगे? इसी को लेके जाएंगे, पोर्टेबल है सारा ही? जी पूरा पोर्टेबल। ये तो लकी रानी सर्कस हो गया किस्म का, जब दिल चाह जहाँ उठा के ले। बिल्कुल ऐसे मॉडल। मजीद लोगों से भी हम बात करते हैं तो वो यहाँ पर बच्चों के साथ कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितनी टिकट ली है? कितने की 4 टिकट लिए हमें, 9,000 रुपए के पड़े, वैसे 2,500 रुपए का एक था लेकिन 4 लोगों के साथ जो है टिकट पे डिस्काउंट है। और जूते अगर वापसी जाओगे नहीं मिले तो? मिल जाएंगे सर, खोलने की जगह न्यू एक्टिविटी है, कहाँ चोरी हो गया? बच्चों के एंजॉय करने के लिए बनाई है, तुमने बच्चों का हक मारा और खुद उछल कूद शुरू कर दी है सर, अभी मौजूद है आप एंजॉय करने के लिए। क्या लगता है आपके ये? बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छे तो है, ये लगते क्या है? बहुत अच्छे चाचू है, बहुत अच्छे चाचू है, सबसे अच्छा मजा आता है भाई। आप क्या इनको उठा उठा के फेंक रहे हो क्या? बोले इनके साथ बहुत मजा आ रहा है। मैंने इनको वहाँ पे अच्छी जगह बहुत सारी जगह में उठा उठा के फेंका है और इनको मजा आ रहा है, एंजॉय कर रही है। जबरदस्त जी, यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज भी जो है वो आई हुई हैं और जितने भी बच्चे और बड़े हैं वो सारे यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के साथ साथ जो बड़े भी हैं वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और पहले तो जो है वो खाली बच्चे उछल कूद किया करते थे, अब यहाँ पर बड़े, बुजुर्ग, ज़ईफ और सब जो है वो उछल कूद कर रहे हैं। कुछ फैमिली जन से भी बात करेंगे। बेटा कैसा लग रहा है? ठीक है। मजा आ रहा है? नहीं आ रहा जी, उसमें बहुत ज्यादा डर लगा। डर लगा किसमें? उसमें जो सब। ओ बेटा, इतना बड़ा बूस आता है, डरने की क्या जरूरत? नहीं, अकेला। अच्छा, अकेला वो लॉन्ग जंप पे जो गया था। अच्छा जी भाई, यहाँ पर बच्चों के साथ बड़े भी इंजॉय कर रहे हैं और 5 एकड़ की ये जगह है जिसमें 3 एकड़ पर जो है वो जंपिंग प्लेइंग एरिया बनाया गया है, बाकी जगह जो है वो वेटिंग एरिया है और खाने पीने के फूड स्टॉल लगाए गए। बच्चों से ज्यादा तो हमें यहाँ बड़े नजर आ रहे हैं और ये प्लेइंग एरिया आप देख सकते हैं, लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। सामने फैमिलीज खड़ी हुई हैं और बच्चे जो है वो बहुत कम कम नजर आ रहे हैं, बड़े बहुत सारे हैं और बहुत सारे लोग कैमरे को देख के भाग भी रहे हैं, शाय होते हैं, ज्यादा बात नहीं कर सकते, धक्के शक्के लगा रहे हैं। इसके अंदर से गुजरना भी होता है बाजी, इसमें से गुजर सकती हैं आप? हैं, इसमें से गुजर सकती हैं? भाई लोग बड़े हैरान हैं देख के इतना बड़ा जो है वो जंपिंग प्लेइंग एरिया बना दिया गया है और 2,500 रुपये इसकी टिकट है। 12 बजे से ले के दोपहर के रात के 11 बजे तक आप आ सकते हैं और 2,500 रुपये जो है वो छोटों की टिकट है बच्चों की और बड़ों की टिकट भी जो है वो 2,500 रुपये है।